इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, ये ब्रांच चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन अभी हम बनाने जा रहे हैं। एक बार हम आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं इसमें करना क्या सब है। लिखा हुआ है 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की शाखा द्वारा कुल बिक्री 5,60,000 थी, जिसमें से 20% नगद बिक्री है। निम्नांकित और सूचना है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही दिया हुआ है। स्टॉक रेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग है, पेटी एक्स कैश ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, एक्सपेंस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ है कि हेड ऑफिस से कितना माल आया है। तो आपको सबसे पहले यह निकालना है कि हेड ऑफिस से कितना माल आया आपके पास। उससे पहले आपको निकालना होगा डेटर्स अकाउंट तैयार करना है। डेटर्स का ओपनिंग है, क्लोजिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि आप 20% नगद माल बेचते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 80% उधार माल बेचते हैं। तो इसको लेके आप बनाइए एक डेटर्स अकाउंट DRCR, ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस CD। ठीक है, ओपनिंग दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 48,000, और आप 20% नगद बेचते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 80% उधार माल बेचते हैं। कुल बिक्री है 5,60,000, इसका निकाल लो 80%, 8 × 48, 8 × 45, 4 × 44 ही हो गया 4,48,000। जोड़ेंगे हम 5,08,000, 5,08,000, 48 घटेगा तो ये हो जाएगा 4,60,000। ये कहलाएगा बाई कैश रिसीव्ड। दिस अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर। चूंकि ये घटा करके आया है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। आगे आप बनाइए। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ लिखा हुआ है शाखा द्वारा सभी बिक्री लागत प्लस 25% पर की जाती है। तो हम कुल माल बेचे हैं, लागत हम मान लेते हैं, लेट मतलब होता है माना, कॉस्ट इज इक्वल टू 100 प्लस कर देंगे प्रॉफिट 25। ये बिक्री मूल्य हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया 125। सेलिंग प्राइस 125 है तो कॉस्ट कितना है, 100 रुपया है। सेलिंग प्राइस है 5,60,000, तो इसका रियल कॉस्ट कितना होगा, व्हाट, तो 5,60,000 गुना कर लो 100/125। ठीक है, 25 × 100, 25 × 125, 125 पाँच से 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10, 112,000 गुना 4 कर देंगे हम तो 4 × 48, 4,48,000। इसका मतलब ये हुआ कि जिस माल को हम बेचे हैं 5,60,000 में, उसका कॉस्ट है 4,48,000। आपको निकालना है गुड्स सप्लाइड निकालना है। तो ये जो है ना, सेल्स कितना किया है आपने, सेल्स में जोड़ दो क्लोजिंग स्टॉक, CS मतलब क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक। ऐसा करने से हेड ऑफिस से कितना माल आया है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, सेल्स का कॉस्ट है 4,48,000, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000, ओपनिंग है 25,000, तो ये 36 हम प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे 25,000, तो 6, 8, 14 होता है, हाँ से लिख 3, 1, 4, 4, 8, 4,84,000 माइनस 25,000, ये हो जाएगा 4,59,000। ठीक है ना, ये कहलाएगा गुड्स सप्लाइड फ्रॉम सप्लाई टू ब्रांच। आइए अब बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। सारा कुछ निकल चुका है, ब्रांच अकाउंट यह बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट। टू बैलेंस BD, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है और पेटी कैश भी दिया हुआ है। ये है 25,000, ये है 60,000 और ये है 120। आगे हम निकाल चुके हैं टू गुड्स सप्लाइड, ये होता है 4,59,000। अब ये एक्सपेंस हुआ है बैंक अकाउंट, क्या सब है, सैलरी है, रेंट है, पेटी एक्सपेंस है,
सैलरी है 36,000, ये है 12,000 और ये है 5,600, कुल होता है 53,600। ठीक है, अब इधर आते हैं, बाई सेल्स कैश या बाई सेल्स कैश सेल्स दिया हुआ है 20%, 1,12,000। ठीक है, आगे रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको मिला था, खाता खोले थे हम लोग 4,60,000, ये हो गया 5,72,000। ठीक है, आगे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग पेटी कैश तीनों ही दिया हुआ है। ये है 36,000 और ये है 48,000 और ये है 180, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने से ये होता है 6,56,180, 6,56,180, 6,56,180 जो आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। कितना? 58,460 आ रहा है, 58,460। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट कर सकते हैं, और किसी न किसी वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया होगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।